पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीजी महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में शनिवार को गया जिले के मानपुर स्थित जीडी पब्लिक स्कूल के निदेशक के नेतृत्व में स्कूल के छात्र छात्राओं ने आजाद पार्क से डीएम ऑफिस तक विरोध मार्च निकाला। छात्र शीघ्र न्याय की मांग कर रहे थे। इस दौरान स्टूडेंट्स आरोपी के खिलाफ तेजी से मुकदमा चलाकर फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। इस विरोध मार्च में कई डॉक्टर सहित स्कूल के शिक्षक मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर शाही ने कहा कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज की घटना इतनी विभत्स है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक डॉक्टर के साथ घटी यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषी को अधिकतम सजा फांसी दी जाए। मौके पर समाजसेवी संतोष सिंह ने कहा, बंगाल विधि व्यवस्था चरमरा गई है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टरों की विशेष रूप से महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। में जो डॉक्टर के साथ में घटना घटी है बहुत ही विभत्सकारी घटना है और बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि मनुष्य एक जानवर है, लेकिन ये घटना को देखकर लगता है कि हम लोग आज भी जानवर ही हैं। निर्भया कांड से शुरू होकर 2012 से 2024 तक कुछ भी नहीं बदला है, चाहे हाथरस हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की घटना घटी है। हम लोग बोलते हैं, बताते हैं लोगों को कि बेटियों को पढ़ाइए, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी, सुरक्षित रहेंगी, लेकिन जब पढ़ी लिखी बेटी के साथ भी इस तरह की घटना हो और उसके बाद भी समाज अपने आप चैन से सो रहा हो तो ये बड़े ही शोचनीय विषय है। कैसे नींद आती है लोगों को और कैसा समाज हम बना रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी बेटियों को तो सब संस्कार सिखाते हैं पर बेटों को ये सिखाने से हम लोग वंचित रह जाते हैं कि कैसे लड़कियों के साथ आपको बर्ताव करना चाहिए। अगर हर माँ अपने बेटों को सही संस्कार दे तो बेटियों को डर कर नहीं रहना पड़ेगा। आज हर जगह ये ट्रेंड कर रहा है कि काश मैं भी कुंडी लगा कर नहीं सोती, काश मैं भी लड़का होती। यह लाइन हम सभी जितने भी जेंट्स मेंबर हैं उनके मुँह पर एक तमाचा है कि लड़कियाँ हमारे देश में ऐसा सोचती हैं। कौन सा समाज है, कैसा समाज है, किस तरह का समाज हमने बनाया है जहां पर कि बेटियां इतनी डरी हुई हैं और हम नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ क्या भारत में एक नारा नहीं, एक वार्निंग बनकर रह गया है? ये सोचना पड़ेगा हम सभी को। कोई पॉलिटिकल बात इसमें नहीं होगी, कोई जात की बात नहीं होगी, कोई धर्म की बात नहीं करनी है। सभी बेटियां बेटियां होती हैं और किसी बेटी के ऊपर में भी आ चाहे सभी मिलकर हम लोग उनके लिए खड़े हो जाएं, तभी इस देश में लोगों में डर उत्पन्न होगा और इस तरह की घटनाएं बंद होगी। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं जिनमें इन बेटियों का सहयोग है, सभी डॉक्टर एसोसिएशन का सहयोग है, क्योंकि ये धरती के भगवान है और धरती के भगवान के साथ अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तब आम इंसान के साथ क्या हो सकता है इसकी आप कल्पना मात्र करके सिहर रोमा सिहर जाएगा। तो धरती के भगवान को, जो कि अपने हर परिवार को छोड़कर, अपने सुख दुख को छोड़कर हमारी सेवा में लगे रहते हैं और उनके साथ भी रात में अगर बेटी या डॉक्टर के साथ में इस तरह की घटना घटेगी तो कल के डेट में कोई भी अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाने से डरेगा। तो इस घटना का पूरे देश में विरोध हो रहा है और हम सब मिलकर इस घटना का विरोध कर रहे हैं और जो लोग विरोध नहीं करें वो सोचें कि वह कैसा समाज चाहते हैं। देखिए, कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, दर्दनाक घटना जो हुई है, उससे जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोग ये प्रोसेसर इसलिए निकाला है कि जो न्याय मिल सके और जो घटनाएं कलकत्ता में हुई है उसको कहीं दोहराया नहीं जाए, क्योंकि इस तरह की घटना आज हमारी जो बेटियां हैं हमारे घर के बाहर निकल के जॉब कर रही हैं, मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, तो ये निंदनीय घटना है। मैं बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूँ कि बंगाल सरकार के द्वारा जो इस तरह की व्यवस्थाएँ उनके यहाँ व्यवस्थाएँ और जो दोषी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं मैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के का प्रस्ताव रखता हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी इस पर एक्शन लें और बंगाल सरकार जो रवैया अपनाए हुए है उसको किसी तरह से बर्खास्त करें, क्योंकि जो बंगाल सरकार है वो अभी तक की जो कार्रवाई हुई है वो मतलब वो संतोषजनक नहीं है। किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है और जिस तरह की घटनाएँ और बढ़ रही है वहाँ पर वो काफ़ी निंदनीय है। जस्टिस चाहिए, इसलिए हम लोग कोर्ट में आए हैं। क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग न्याय मांगना चाहते हैं, न्याय लेना चाहते हैं। जो लड़कियों पे तो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लोग को न्याय लेना है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ये जो हो रहा है इसे हमें रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग को इस चीज के लिए न्याय चाहिए और हम लोग न्याय ले करके रहेंगे। कुमारी है, मैं जी डी पब्लिक स्कूल से हूँ, 10वीं क्लास की छात्र हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक तो हम बेटियों को पढ़ाने नहीं दिया जाता था, और जब हमें पढ़ाने दिया गया तो हमें सेफ नहीं है, हम किसी भी जगह पे हम लड़कियां सेफ नहीं है आजकल। और हर पेरेंट्स चाहेंगे कि वो अपनी बेटी को पढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि उनकी बेटी सेफ ही नहीं है, तो वो पढ़ के क्या करेगी। हमारे देश में एक डॉक्टर कमी है, वो इतना मेहनत की, उन्होंने पढ़ा, वो डॉक्टर तो हमारे जीवन को बचाने के लिए होते हैं और उन्हें ही मार दिया गया। इसलिए हम जस्टिस मांग रहे कि हमें जस्टिस चाहिए और उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। भूते सत्य परि संस्कार नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये 9 दिन नवरात्रि के जो होते हैं उसमें 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। इस 9 दिन लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करती हैं और लड़कियां यही चाहती हैं कि ये 365 जो दिन हैं वो नवरात्रि के 9 दिन बनकर रहे, ताकि हम सभी को माँ दुर्गा की तरह पूजा जाए। मैं वहाँ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ममता बनर्जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो सिर्फ माँ माटी मानुष कहने से कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ की जो इस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है उसके अपराधियों को घोर से घोर सजा मिलनी चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि उस अपराधी को फांसी की तो सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि आने वाली आगे की कोई भी पीढ़ी इस तरह के कुकर्म को करने की कोशिश ना करे। आजादी जान वाला ना बना लेगा रास्ता।